हेलो एंड वेलकम, मैं ईशानी की एक बार फिर से आ गई हूँ कमाल के लोगों की कमाल कहानियां लेकर कमाल जिंदगी में। आज मैं जिस एक्ट्रेस की बात करने जा रही हूँ वो ना केवल अपनी एक्टिंग से बल्कि अपनी सिंगिंग से भी लोगों के बीच काफी फेमस है और हर रोज सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट करती रहती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारी आशिकी गर्ल श्रद्धा कपूर की। श्रद्धा कपूर का जन्म 3 मार्च 1987 को मुंबई में हुआ था। श्रद्धा कपूर फेमस एक्टर शक्ति कपूर और शिवांगी कोल्हापुरे की बेटी। श्रद्धा कपूर के बड़े भाई सिद्धांत कपूर भी एक एक्टर और फिल्म मेकर है। श्रद्धा का बचपन से ही सपना था कि वो फिल्मों में परफॉर्म करे। वो बचपन से अपने घर में मिरर के सामने अपने फैमिली के कपड़े पहनकर प्रैक्टिस किया करती थी। इन्होंने अपनी स्कूलिंग जमनाबाई नर्सी स्कूल मुंबई से की, जहां वो 15 साल तक थी। उसके बाद वो अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे में गई अपनी आगे की स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए, जहाँ एक्टर टाइगर श्रॉफ और एक्ट्रेस आथिया शेट्टी उनके क्लासमेट्स थे और वो सब साथ में डांस इवेंट्स में कम्पीट किया करते थे। एक बार एक इवेंट में आथिया शेट्टी ने बताया कि जब श्रद्धा अपनी ग्रेजुएशन के लिए बॉस्टन यूनिवर्सिटी US गई थी तो वहाँ उन्होंने फर्स्ट ईयर में ही ड्रॉप ले लिया था क्योंकि उन्हें अपना बॉलीवुड में काम करने का सपना पूरा करना था। उसके बाद अंबिका हिंदुजा की नज़र श्रद्धा कपूर पे पड़ी तो उन्होंने श्रद्धा को अपनी फिल्म 3 पत्ती में कास्ट करने का सोचा। 3 पत्ती कुछ ज्यादा खास नहीं रही, लेकिन अपनी पहली ही फिल्म में अमिताभ बच्चन, बेन किंग्सले और आर माधवन जैसे बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करके श्रद्धा को बहुत खुशी हुई। श्रद्धा एक ट्रेंड क्लासिकल सिंगर भी है और उन्होंने बहुत सी फिल्मों में गाने भी गाए हैं। श्रद्धा की नेक्स्ट फिल्म थी लव का दिया, जिसमें वो ताहा शाह के अपोजिट में थी, जो कि यशराज फिल्म्स की प्रोडक्शन थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन क्रिटिक्स ने फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज दिए। 2013 में श्रद्धा की लाइफ के लिए गेम चेंजर रहा जब उन्होंने आशिकी 2 में आदित्य रॉय कपूर के अपोजिट काम किया, जो कि 1990 की मूवी आशिकी का सीक्वल था। फिल्म सुपर डुपर हिट रही। फिल्म में आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर की केमिस्ट्री सबको बेहद पसंद आई। फिल्म में राहुल और आरोही की लव स्टोरी सबको इतनी पसंद आई कि रियल लाइफ में भी दोनों की डेटिंग की खबरें फैलने लग गई थी, लेकिन इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिला। आशिकी 2 श्रद्धा की लाइफ की वो फिल्म बनी जिसने उन्हें बॉलीवुड की दुनिया में एंट्री दिलवाई और इस फिल्म के लिए श्रद्धा को फिल्म फेयर में बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट भी किया गया। उसके बाद श्रद्धा ने बहुत सी मूवीज में काम किया, जैसे कि एक विलेन, बागी, स्त्री, छिछोरे, साहो और हाफ गर्लफ्रेंड जैसी बड़ी बड़ी मूवीज। श्रद्धा न सिर्फ अपनी फिल्म से बल्कि अपनी बबली और डाउन टू अर्थ वाली पर्सनालिटी से भी लोगों के बीच छाई रहती है। श्रद्धा एक सुपरस्टार है, लेकिन वो हमेशा एक आम इंसान की तरह लोगों के साथ सोशल मीडिया पर बातें करती रहती है। लोगों के पोस्ट पर लाइक और कमेंट करने से लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग रील्स बनाने तक वो हमेशा लोगों के बीच एक्टिव रहती है और यही बात उनके फैंस को बेहद पसंद आती है। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।